हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और यशी और बाकी पूरी टीम कल इतना काम करी है, अभी देखो इतना लेट उठे हैं सारे के सारे, मुझसे भी लेट उठे। अब सोच लो कितना काम करा होगा इन्होंने। तो अभी भी भयंकर नींद आ रही है। रात को तुम सोए कितने बजे थे ये तो पता? मैं 4 बजे। और फिलहाल मेरे लिए बन रही है चाय। आंटी मुझे भी दे थोड़ी सी चाय पिएगी। तेरे भी जुकाम और गला थोड़ा भारी सा लग रहा है, मर्दों जैसी आवाज आ रही तेरे तो। देखो चिमका आंटी क्या कर रही है, देखो। हाँ उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई यार। गाइस गाइस, घर का राशन वाशन सब खत्म हो चुका है, लेने चलना है अपन को। मैं 3 दिन से बोल रही हूँ, मुझे तो आज भी काम ही करना है। ओए तेरी इसका गले का थोड़ा ठीक कर, ठंडा पीना बंद कर दो, ज्यादा खराब लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है आदमी बोल रहा है, याशा बोल रहा है याशा। मेरे को तो सपना आया, पता नहीं अपन सब वहाँ पे टेम्पो में बैठ के गए हैं। टेम्पो में? हाँ, किसी की शादी में गए हैं, बहुत बड़ी सी। टेम्पो बैठ के गए, बैठ के गए और वही टेम्पो में सो गए पागलों की तरह, चद्दर बिछा बिछा के। ऐसा क्यों? तू मत दिखा कर, प्लीज मत दिखा कर, तेरे सपने भगवान कभी सच ना करे। तू निकल यहाँ से, तेरे को सोने नहीं दूंगा मैं अब। ये जग के आई है, अरे उठ जा फिर, तू फालतू के सपने देख लेगी कोई। अरे यार चाय तो 3 ही बनी, इंसान 5 आ गए, क्या करें। तो 3 4 5 ऐसे गिनना है भाई। यार खाना वाना खा लो यार, आज राशन वाशन लेने चलना है घर का। यार आपको डाइट का सामान भी तो लाना था। यार कसम से पता है मेरे को, इसको अगर डाइट का बोलते हुए भी शर्म आती है। अगर ये बोलते ना कि डाइट, इसको घोसा दूं मुंह में ही कि चुप। एक मेरा टाइम से उठना और टीपू का डाइट पे जाना, ये असंभव है। दोनों तो फिक्स हो गई होगा। जिस दिन ये फिक्स हो गया ना, अपन दोनों तरक्की कर लेंगे बहुत तगड़ी। ये गाइस यहाँ से निकल के इधर गई, क्योंकि सिर्फ यही जा सकती है ना इधर, इसलिए जा ही नहीं रही इसमें यार। तो एक काम करो, यहाँ पे पेड़ रख दो यार, नकली। हाँ नकली वाले जो पीछे हैं, ये हालांकि ये भी नकली है, इसमें ऐसा कोई नवा कुछ नहीं है। और ये देखो यहाँ पे आराम करते हुए, ये सूरज मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं, आराम करते क्योंकि ये सबको अंडरस्टूड है, समझ गया। यार पता है मेरे ऊपर कैमरा आता है तो मैं वहाँ लेटा रहता हूँ उल्टा, या टेढ़ा पड़ा हूँ, क्योंकि तू मोस्ट ऑफ द टाइम यही करता है वैसे। मैं वैसे आज एक और शूट कर रही हूँ। और ये क्या हो रहा है, क्या रहे हो तुम अभी? इन लोग का शूट खत्म हुआ है और अभी ये लोग खाना खा रहे हैं। हमारी कुक आंटी 2 दिन के लिए ऑफ पर है, जिन्होंने तो मसाला डोसा, इसने क्या खाया मसाला डोसा, इन्होंने तो दिल पे पत्थर रख के खाया। और यशी ने सॉर्टेड वेजिटेबल, होल व्हीट पास्ता। होल व्हीट नहीं होती कुछ भी, होल व्हीट है। अच्छा अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, भानु गया हुआ एडिटिंग क्लासेस, तो वहीं से ना अंकल आंटी को लेता हुआ आएगा, क्योंकि उनकी कार हमारे पास ही थी, तो वो बाइक से आते धूप में तो परेशान रहते। हाँ अपने पास ही थी ना कार, अपनी यहीं पे खड़ी हुई थी, तो भानु कार लेके चला गया, तो भानु क्लासेस आता था उनको लेते आएगा, फिर उनके साथ हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग पे जाएंगे। क्योंकि क्या है, हर बार कभी हम लेकर आ जाते हैं, कभी आंटी लेकर आ जाती है, और सीनियर होता है कि हमें जो चाहिए होता है वो आधी चीज देने लाती है, हम जो लाते हैं फिर वो बोलते हैं तो महंगा लिया है, तो इस बार हम लोग साथ में लेकर जाने वाले हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है शॉपिंग करने में। ऊपर से अंकल साथ होंगे। हाँ अंकल साथ होंगे, मजा तो अंकल का आएगा। क्या बोल रहे हो अंकल? बताओ बैठा दे, मैंने कहा देख ले क्या क्या काम करने पड़ते हैं गृहस्थी में। क्यों देख ले, क्यों क्या होती है वो, तो अभी तो गर्मियों में आया, सर्दियों में आया तो कपड़े भी धोते हुए मिल जाता। आप अभी तो मशीन आने के बाद में बंद हो गया। क्यों झूठ बोल रही है, करता नहीं हूँ मैं, देख कान्हा जी के बर्तन साफ करता हूँ, ये भी करता हूँ कभी कभार। चलो चलो अभी तो लेट हो रहे अंकल, आ जाओ चेंज कर लूं। कर लो फटाफट अंकल, आ जाओ। यार अंकल लेट हो रहे हैं, चलो सूरज भैया का मैसेज आ रहा है। चलो ये यार दादी नहीं बनाई ये। ये देखो ये जो गंदा हो गया वो वेस्ट करके बेकार दिया, अभी वेस्ट में जाएगा। हमने एक नया और कलर मंगाया, चॉकलेट, क्या बोलते इसको, चेस्टनट। इसका मतलब वैसे वैसा वाला नाम चेस्टनट है, वैसे ही आपको नॉर्मली आप किसी को बोलोगे चाहिए तो चॉकलेट ब्राउन कलर का, चॉकलेट ब्राउन ना, और वैसे वैसे डार्क ब्राउन सबसे अच्छा शूट इसी के सामने, क्योंकि इसके सामने ना आप बहुत ब्राइट आते हो, तो मतलब जैसे होता है ना कभी कभी आपको व्हाइट नहीं यूज करना, ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा चाहिए कि आपके फेस पे फोकस हो, तो ये वाला लेना। बिल्कुल व्हाइट चॉकलेट ब्राउन ना, मतलब कलरफुल कपड़ों के लिए बहुत अच्छा है, बट जो कपड़े व्हाइट बेस के ही है उनके लिए ये अच्छा है। यस और ग्रे वाला कहां है, ग्रे वाला कहां है अपना, ग्रे अपने अंदर अभी हटा दिया, तीन रोल्स हैं यहां पे। अच्छा पैक करके रख देगा उसको। यस सॉरी। अब देखो गाइस भानु हमारे को लेने के लिए आया है, हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केटिंग करने के लिए, फिर उसके बाद में मैं करूंगा कोटा जाने की तैयारी। अंकल कोटा जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए, अब क्या करूं यार, काम लिया है तो जाना पड़ेगा, तो एक हफ्ते के लिए जाऊंगा, मतलब कल जाऊंगा और सैटरडे या संडे को
वापस रिटर्न होऊंगा। तेरे को सब राशन पानी मैंने ला के दे दिया है। कहाँ दे दिया? ठीक है, अभी दिलाने जा रहे ना। अभी अभी दिला रहा हूँ ना, मार्केट के चल रहे हैं ना, राशन पानी लेने चल रहे ना घर के, रास्ते का सारा सामान। तो वो तो एहसान थोड़ी ना करे, वो तो दिलाना ही पड़ेगा। नहीं वो एहसान नहीं, मैं तो तेरे को सिर्फ बता रहा हूँ भाई, दिलाने चल रहा हूँ। वैसे बता क्या रहे हो, तो दिलाना ही पड़ेगा। ये बहानू देखो क्या कर रहा भाई, गाड़ी नहीं चला रहा, ये गाड़ी के अंदर ही रख रखी है इसने, और एक 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 सिप मारे जा रहा है। ये देखो एक एक सिप ले रहा है। अरे कम से कम पूछ तो लिया कर यार, बेशरम आदमी। मैं पीता ही नहीं हूँ, मैं तो चाय पीता हूँ, तेरे को पता है। अंकल आज आप ही जाना ऊपर तक व्लॉगिंग करते हुए, सूरज भैया को मत ना देना व्लॉग, आप बढ़िया व्लॉगिंग कर रहे हो। अरे नहीं यार, मैं कहा, मेरे को थोड़ी आता है। चलो अभी हम फ्लैट आ गए हैं, और बानू लेके आया हमारे को गाड़ी चला करके। मेरे को गाड़ी नहीं चलाने दी, बोले नहीं मैं चलाऊंगा। मैंने कहा यार मैं कब तेज चलाता हूँ, मैं 40 से ऊपर चलाता ही नहीं हूँ। ये सारा सामान साथ ही रखता है क्या तू? साथ है, पूरा ऑफिस साथ में रखता है। ये भैया कोई पार्सल लेकर के आए हैं। किस नाम से भैया? यशिकांत के नाम से। कौन ब्लॉगिंग करते आ रहे हैं? पीछे देख। कौन ब्लॉगिंग करता आ रहा है? ब्लॉगर आ गए भाई। ओह माय गॉड, ओह बाप रे, ये फटाके कहाँ से फूटे? अरे फ्रेम तो सीधा रखो। अरे फ्रेम यार, एक देखो, एक कैमरा और दूसरा मोबाइल। यार हमारे वाले माइक वाइक, हमारे वाले में दम नहीं है यार, हमारे वाले में दम है थोड़ा सा। माइक वाइक हमारे वाले में दम नहीं है। और क्या, आपने माइक तो उसका पूरा हाथ से दबा रखा है। माइक का दबा रखा है, माइक तो इधर होगा। इधर नहीं, इधर है माइक तो फिर। हाँ, ऐसे अब ठीक है थोड़ा सा। अब ठीक है क्या? हाँ, अब तो यार अभी देखो नया नया स्टार्ट किया है ना ब्लॉग बनाना। कैसे स्टार्ट करा ब्लॉग आपने? कैसे स्टार्ट कर रहे? लाइन क्या थी? पहली लाइन का तो भूल गया। रेडी हो अपन राशन लेने चले? हाँ चलो राशन लेने चलते। चलो यार ये सही यार, आजकल अंकल को भी लगाएंगे काम पे, ब्लॉग आधा ही बनाया करेंगे आपसे। मैं अपना काम छोड़ देता हूँ, ये काम चालू कर देता हूँ। उसके पास गई, जैसे पाजल लगी उनकी जो संभाले वाली लड़की थी, ये काटता है अरे बहुत में लगा, बहुत तेज भाई, काट लेते हैं। उठता यार, बता के नहीं काटते ये यार, क्यों? ये देखो कितनी तेज धूप हो रही है। मैं एक डॉगी लाऊंगी। अंकल दो, क्या बोल रही? डॉगी ला के दो। डॉगी चाहिए यार, डैडी बहुत क्यूट होते हैं। अरे यार एक बात बता, अपना खुद को तो संभाल लो पहले, डॉगी को कहां से संभालोगे? यार संभाल लो, संभाल लेंगे। एक एक आदमी के एक मतलब जितना जो है ना डॉगी का वो बैठता है। तो क्या हो गया? तो ये बड़ी खर्चे की पड़ी है, खर्चा ही नहीं है, एक आदमी जितना बैठता है खर्चा, इतनी केयर करनी पड़ती है उसकी। तो क्या हो गया, कर लूंगी मैं। फिर उसके लिए ट्रेनर लाओ। लेंगे हमारे गुच्ची का तो ट्रेनर काम कर ही गया। डैडी और मम्मी आ रहे पिछाई 20 में, हम लोग जा रहे हैं किया में ग्रोसरी शॉपिंग। बहुत मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मीकोड़ी उठाती पता है सुबह क्या, यार भैया आज ना काम कर लो, ग्रोसरी के लिए भी चलना है। 5-6 दिन हो गए इसको ग्रोसरी के लिए भी चलना है, जो बहुत मजा आता है ग्रोसरी। अंकल आंटी कहाँ रह गए? आ रहे वो धीरे चलाते हैं ना गाड़ी। मेरे को खींच रही थी ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि ना इधर उधर का अटपटा सामान लेना ज्यादा पसंद है, मतलब जो मतलब का है ज्यादा। आज अंकल है भाई, तो क्या हो गया, मैं तो ले लूंगी चुपचाप से, वो निकाल लेंगे चुपचाप से। सीधा रास्ता है वहाँ पे भी खो गए। चलो भाई चलो चलो, देखो यहाँ पर भी मैचिंग की चीजें देख रही है। देख कितना सही मैच करा है नेल पेंट से, बताओ अंकल ले कि नहीं ले? कल को दूसरी नेल पेंट लगाएगी फिर उसके मैच के लेगी। सबसे पहले कांच के ग्लास लें, क्योंकि हमारे चार टूट चुके हमारे, क्योंकि उसी से मिलते जुलते सेट ले। घर पे कोई मेहमान आते ना तो दो स्टील के, दो कांच के, एक प्लास्टिक का जाता है। पोछा ले लो यार, नया पोछा हमसे लगवाएगी, ये ले लो। तू तो लगा ही देता होगा जीवन में, तो ये काम कभी करने नहीं वाला भाई। पता है क्या सीन करते हैं, देखो आसपास भरी हुई पड़ी है, इसमें अगर लग रहा है काम की चीजें तो भरा हुआ ले लेते पूरा का पूरा। सही बात है, आसपास वाले तो बेवकूफ है ना। एक लॉजिक सुनो, हमें ये कोक यहाँ पर 8 रुपए सस्ती मिली है, तो पता क्या बोल रहे हैं, बोले तुम जहाँ से लाते हो वहाँ ठंडी मिलती है ना। यहाँ गर्म है इसलिए 8 रुपए। फ्रिज में रखेगा तो ठंडी करेगा तो पैसे तो लेगा ना। सही बात है, सही बात है, 8 रुपए कम है। ठीक है ठीक है। ईशा की तरह मम्मी ने अपना फोन खो दिया, ये हमारे घर पे भूल जाती है, यहाँ पे पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, पक्का गाड़ी में होगा। घर से रवाना होती है जब मेरे को संभाला देती, बोले ये लो रख लो, और फिर हाथ में लेके कहीं भूल जाती है। हमेशा हमेशा ना अपना फोन कहीं लेके जाएगी और कहीं भूल के आएगी। देखो भानु लिया है, गाड़ी में ही पड़ा था, याद तो रहता नहीं मम्मी को। एक अगर मैं फोन गाड़ी में छोड़ेगा बोल पता क्या, मेरे हाथ में था, अभी हाथ में था। सही है भाई,
तुम्हारी शॉपिंग हो जाए तो मुझे यहाँ से उठा लेना। ये शॉपिंग नहीं होती, ये राशन की वो होती है। उसमें भी तेरा कुछ, इसमें भी तेरा जीरो पार्टिसिपेशन बैठा लो। एक ट्रॉली ले आता हूँ, आपको बिठा के घुमा लेता हूँ डी मार्ट में। पहला रोल हमारी ग्रोसरी शॉपिंग में करते हुए लाइन में लगाना पड़ता है। ये ट्रॉली मुझसे संभल ही नहीं रही थी, इसे मैंने इनको पकड़ा दिया। हो गए कि सामान हो गया, चलेंगे अब? देखो देखो देखो, हाँ और उठा ले, दो तीन और उठा ले यार, 12 रुपए सस्ता है यहाँ पे। वो तो क्वालिटी में लोगे जब है इसलिए। वाह यार, ये तो डिस्काउंट देख देख के कुछ भी उठाई जा रही है। ना ये 2 yums का ट्राई करना है। ये बेग, हाँ भाई चम्मच नहीं है हमारे पास। बेग नॉट फ्राइड, ओके। एक ट्रॉली तो हमारी देखो पूरी भर चुकी, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो फुल पैक ट्रॉली, इससे ऊपर सामान नहीं आ सकता इसमें। हम लोग यहाँ खड़े अंकल बिलिंग कराने गए, अब मिल नहीं रहे कहाँ पर हैं। वो कहीं वो सच में आधा सामान रखे हैं। ये रे रे जो कॉल कर रहे हैं वो अंकल, कि मैंने बोला था कि जैसे बिलिंग होने वाली है वैसे कॉल कर देना, अब मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा। मेरे दोस्तों सामान तो इतना सारा ले लिया है, और जो पॉली बैग मिलेगा वो इतना ज्यादा मिलेगा, 18 रुपए का। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। 11,000 रुपए का बिल, 11,000 रुपए का सामान है। बड़ी जल्दी आइए लेके, देखना एक और ट्रॉली लेकर आइए। भाई अपने को कम से कम है ना 5-6 बैग लगेंगे थैला, और एक बैग 18 रुपए का है। बैग के बिना नहीं चलते, बैग में पैसे देने में बहुत जोर आता ना। कितना हुआ, कितना हुआ टोटल? 13,000। ये होते हैं हम जैसे कंजूस लोग, सामान चाहे कितना भी ले लो, थैले के लिए 1 रुपए देने में भी जोर आता है। हमने एक लिए भी थैला नहीं लिया, हम देख लेंगे कैसे ले जाना है सामान को। किसी और की ट्रॉली लेके घूम रही थी अंदर, थोड़ी देर पहले वो तो ट्रॉली देख कर आए, मैंने फट छोड़ी फट गई। तो यार एक बात है, ये 15,000 का सामान ले लिया यार, पैकिंग का तो इनको देनी थी ना फैसिलिटी। फिर वो डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं ना यार अंकल, फायदा डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई खास डिस्काउंट नहीं है। वो एक बात बताऊं मैं, अब इसमें बिल में देखना GST वगैरह और वो मिला के वही रेट आ जाती है। अच्छा चलो गाइस फ्लैट चलते हैं। ओके बाय अंकल, थैंक यू सो मच हमें शॉपिंग कराने के लिए। ओके ये देखो कैसे पकड़ रखा है इसने, अभी लिफ्ट नहीं आ रही ना। ये मैं तो इसको गेंडा, क्या नाम है इसका, गेंडा पता नहीं क्या लेकर आई ये गेंडा। गेंडा की पीपी पी सल रही है। आगे आगे लिफ्ट आगे भाई, लिफ्ट आगे। कमर बहुत पतली है ना इसलिए फिसल रही है। बानू तो 5 किलो की चीनी कट्टा गिरा भी दिया था वहाँ पे आगे। ये लो कर दिया भाई इसने फाइनली। हम ये बोल रहे थे ये दाल की थैली फाड़ देगी, इसने फाड़ दी देख। अच्छा नया कलेक्शन के लिए हम लोग शूट कर रहे हैं, नए कॉर्ड्स के लिए। तो आप लोग गोवा हुआ के प्लान बना रहे होंगे, तो बस होप सो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या पता ये व्लॉग लाइव होने तक ये कलेक्शन लाइव हो जाए। बाय चांस नहीं होता तो अगले व्लॉग में आपको पता चली जाएगा कि लाइव हो चुका है। और इतने प्यारे प्यारे कलर्स और इतने प्यारे प्यारे कॉर्ड्स आने वाले हैं, कपल कॉर्ड्स आने वाले हैं। उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है इसलिए अब देखो पूरे दिन से। लास्ट टाइम वाला हमने जो लॉन्च किया था वो 3 दिन में आपने आउट ऑफ स्टॉक करा दिया था, तो हमने इस बार थोड़े से ज्यादा कलर्स ज्यादा वैरायटीज निकाली इस बार भी एक दिन और सक जाए। तो आप लोग की शॉपिंग के लिए मस्त चीज लेने वाले हैं। डिनर होने का फर्ज आज निभा रहा है ये। अरे खुद के लिए बना रहा है भाई ये। देखो मेरे लिए इसने ब्रेड सेक किया अभी। वर्कआउट डन गाइस, आप लोग घर जाए। एंजल प्रिया के टीम का, एंजल प्रिया की स्टोरी बताओ। एंजल प्रिया की आईडी इसी फ्लैट में कोई रिकॉर्ड बना के इनसे बात कर रहा है। एंजल प्रिया की बात क्यों चल रही है अभी, है ना एक आउटफिट का शूट होना है उसका, इसको अता पता ही नहीं कहाँ पर है। हम बता रहे हैं कि ऑफिस पड़ा है, और ऑफिस पड़ा है, अभी रात के बज रहे हैं 9:30, ऑफिस पड़ा यार, अब लाना पड़ेगा। हमारे अंकल जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए, पता नहीं आंटी का मन कैसे लग गया। मेरा आंटी का खुश है, मस्त रहेगी एकदम, खा पी के बढ़िया है, गए तो आराम से। 7 दिन में ये थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी, अब पहले इतनी मोटी हो रही है तो इसको और मोटी कर दे। कहाँ हो रही है, अब तो कमजोर। आजा बेटा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहे। नहीं एक बात बता, तू उसके चक्कर में उसको भूल गया। काम को, उसको काम को, काम को भूल गए, उसके चक्कर में काम को भूल गया। आपका मन लग जाएगा एक हफ्ते यार, क्या करूँ, लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा ना बानू। हाँ लगा लेना, काम करेंगे तो मन, और किसी के साथ लगा लेना। किसी और के साथ मन लगा लो। अरे ये बैठी है तुम यार, क्या बोल रहे हो इसके सामने, कहीं आप भी कोई प्रिया ढूंढ लो। अब आगे सफेद, ठीक है, अब ना कोई रिया ना कोई प्रिया, मतलब अगर काले होते तो फटा लेते हैं। काले होते तो नहीं यार, ऐसा चांस चांस की बोल रहे, नो चांस।
यार चोर चोरी करने से पहले थोड़ी बोलता भाई मैं चोरी करूंगा, तो बाद में भी नहीं बोलता, करने के बाद में भी नहीं बोलता, मतलब हमें नहीं पता कर भी दिया है तो। एक टाइम था दो दो दिन के लिए जाते थे, एक एक दिन के लिए जाते थे, अचानक से एक एक हफ्ते का प्लान बनने लग गया इनका, तरक्की हो रही है ना हमें क्या पता किस डायरेक्शन में है तरक्की। जबरदस्त मैच सीएसके वर्सेस बैंगलोर का, दोनों ने स्कोर एकदम तगड़ा करा है, चेस देखते हैं कर पाती है नहीं कर पाती। बाहर से खाना मंगाया और इसके पसंद का चाप मंगा लिया, ओ भगवान भाई मेरी पसंद नमकीन से रोटी खाने को।